नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र सिंह। ये जो समय है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि अब हम गणित के बारे में कुछ जानेंगे और ये तीसरी कड़ी है। दो पार्ट ऑलरेडी इसके हो चुके हैं, हो क्या चुके हैं पहले ये जान लीजिए। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये पार्ट थ्री है। अब आपको समझ आ गया होगा। जो दो पार्ट आपने मिस किए हैं वो NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उसकी लिंक अवेलेबल है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। बिना समय गवाए हुए अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप जल्दी संपर्क कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर 8800440559। यू कैन सी ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन, यहाँ पर आप फोन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेल कर सकते हैं dts.class10@cit.nic.in पर, क्योंकि ये जो सेशन है वो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे और भी एग्जाम्स जो आने वाले हैं उसके हिसाब से आपकी तैयारी बेहतर हो, खासतौर से इस टॉपिक के हिसाब से, तो इसलिए इस प्रोग्राम को देखना आपके लिए बहुत जरूरी और आवश्यक है। चलिए, समय हो गया है अपने एक्सपर्ट को इनवाइट करने का, जिनसे आज हम सीखेंगे इस टॉपिक का तीसरा भाग। प्लीज़ वेलकम मिस सविता ग्राग, टीचर गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सलारपुर रोड कुरुक्षेत्र, जो कि वर्चुअली हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है सविता जी आपका। जी थैंक यू, और हमारे सभी व्यूअर्स को नमस्कार। तो चलिए फिर बिना समय गवाए हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो जैसा कि आपने भी बताया, आवर टॉपिक इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स एंड इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द सेम। इन द प्रीवियस सेशंस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशंस एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्पेशली लीनियर इक्वेशंस, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वी हैव रिप्रेजेंटेड द इक्वेशंस ग्राफिकली एंड वी कम टू नो दैट हाउ कैन वी रिलेट वेदर टू इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशंस or infinitely many solutions or no solutions. Then we have started discussing various methods for solving pair of linear equations. Out of these, we already have discussed graphical method aur dusra algebraical method mein se humne discuss kar liya hai substitution method. We have solved various questions based on the same aur sabhi questions bahut interesting aur bahut important hai, to I would like कि आप पहले दोनों सेशंस को विजिट जरूर करें और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। दोस विल रियली बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स फॉर देयर एग्जाम्स एज वेल। सो अभी हम डिस्कस करेंगे द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। अगर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है √2x + √3y = 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज √3x - √8y = 0 एंड आई वॉन्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बेशक हमें दो मेथड्स ऑलरेडी आते हैं, बट हमें सीखना है हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। सो एलिमिनेशन मेथड नाम से क्लियर है, बट वी विल डू, हम दोनों में से वन वेरिएबल इज एक्स हियर एंड अदर वेरिएबल इज वाई, हम दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम बोथ ऑफ द इक्वेशंस। एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? For that, we will multiply, let me say this is our equation number 1 and this is equation number 2. We will multiply first equation by the coefficient of the variable in the equation number 2. कोई भी एक variable हम pick कर लेते हैं, हम यहाँ पर variable x, let us try कि हम variable x के coefficients को equate करते हैं। So हम क्या करेंगे, first equation में variable x का coefficient है √2 and in the second equation it is √3. So we will multiply the first equation by √3 and the second equation will be multiplied by √2. Thus we are getting √6x. If we multiply this complete equation by √3, we are getting √6x plus of course √3 and √3. When we multiply these two, so we will get 3y is equal to 0. And the second equation has been multiplied by √2 here. So it is √6x minus √8 and √2, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, so we are getting √16. And we know that 16 is a perfect square number, so we can write in its place 4y is equal to 0, as 16 is the square of 4. Now we can see that in both of these equations, the coefficients of x are same. It is √6x, it is √6x. अगर दोनों numerically same हैं, but sign different हैं, तो हम इन टू न्यू इक्वेशंस को, दैट मीन्स इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को ऐड करते, बट यहां पर द साइंस फॉर द फर्स्ट एंड फॉर द सेकेंड इक्वेशन
x वेरिएबल के साइन दोनों इक्वेशंस में सेम. सो व्हाट वी विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस, थर्ड माइनस फोर्थ. अगर हमने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा, ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द सेकेंड, दैट मीन्स जो हमने यहाँ पर इंडिकेट की है बाई इक्वेशन नंबर फोर, विल बी चेंज्ड. सो दिस साइन विल बिकम नेगेटिव, दिस साइन विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस साइन विल बिकम नेगेटिव. ऐसा करने पर रूट सिक्स एक्स से अगर हम रूट सिक्स एक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी आर गेटिंग जीरो हियर. सो सेवन वाई इज इक्वल टू जीरो एंड वी कैन से दैट वाई इज इक्वल टू जीरो अपॉन सेवन विच इज जीरो. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल. आफ्टर दिस द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल विल बी पुट आइदर इन इक्वेशन नंबर वन और इन इक्वेशन नंबर टू. लेट अस पुट इट इन इक्वेशन नंबर वन. तो देखिए हमें क्या यहाँ पर क्लियर विजिबल है, इट इज रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री इंटू वाई विच इज जीरो. सो क्लियरली द वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑल्सो जीरो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं. दिस इज द मेथड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सबसे बेस्ट लगता है. सो वन मोर क्वेश्चन वी हैव टेकन हियर. वी हैव टू सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई. दिस टाइम अगेन एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल्स बट देयर कोफिशिएंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट्स ए बी सी. वी कैन से दैट इन इक्वेशन नंबर वन the coefficient of x is a, in equation number 2 the coefficient of x is b. First question mein humne equate kiye the x ke coefficients, to is question mein thoda sa change kar lete hain. Let us equate the coefficients of y. In the first equation the coefficient of x is b, in the second equation it is a. To kya karna hoga, equate karne ke liye first equation will be multiplied by a and the second equation it will be multiplied by the coefficients of y in equation number first, that means by b. So what do we have, we have a square x plus aby is equal to ac, which is equation number third. And then in the second equation b square x plus aby equals to b ko agar hum a plus c se, 1 plus c se multiply karte hain, so we are getting b plus bc. So on subtraction we will be able to get the value of one of the variable. Of course jis variable ke coefficients humne equal kiye hain wo variable yahan par eliminate ho jayega aur jo dusra variable hai we will be able to find the value of that. So we can say that this is cancelled and we have a square minus b square into x equals to ac minus b minus bc. So what is the value of x, it is c into a minus b we can say, because first or third in dono terms se hum c common le sakte hain, minus b this term whole divided by a square minus b square. So this complete is the value of x. And now we will put this value in any of the equation. Question is simple, value से हमें डरना नहीं है. हम इस value को first equation में put करते हैं so that y की value भी हमारे पास available हो जाए. So we have a into c into a minus b whole divided by a square minus b square plus by equals to c. सो वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड पर ही रखेंगे एंड वी विल कैलकुलेट इट्स वैल्यू. वी विल राइट डी वाई इक्वल्स सी माइनस ए इंटू ए सी माइनस बी सी माइनस बी होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. And after this, अगर हम a square minus b square को LCM लेते हैं and this b will becomes the denominator if we take it on the right hand side and that will be the final value of y. So this was known as elimination method. And the next is cross multiplication method for solving two equations. This is also very interesting method. Let me say कि दो जनरल इक्वेशंस जो हमारे पास हैं, दीज आर a1x
plus b1y plus c1 equals to 0. And second equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So in दोनों ही equations को solve करने के methods की series में हम कर रहे हैं method cross multiplication method. This method is really very interesting. Actually हमें करना क्या है, x का coefficient in both of the equations, the coefficients of y in both of the equations, and the coefficients of and the constant terms c1 or c2. इन सभी की रिलेशनशिप से ही हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई करते हैं. सो इट विल बी x डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय समथिंग. एंड इनके डिवाइड में हमें क्या लिखना है, वो जो कॉन्स्टेंट्स और कॉफिशियंट्स का हम रिलेशनशिप लिखेंगे उसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है x, y दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट हो पाए. What to do? We must learn for this a sequence 2, 3, 1, 2. If I say कि जो x के coefficients हैं हमने इनको numbering दी number 1, this is number 2 and the constant terms has been given the numbering as number 3. So what do we have? First of all 2, that means b1 b2, then 3, that means the constant term c1 c2 and then a1 a2 and then at last the coefficients of y again will be written here. So what are we getting from here? We have to cross multiply, that means it will be x upon b1 into c2 minus b2 into c1. This will be equals to y upon c1 a2 minus c2 into a1. Means जो solution procedure है जो हमने अभी तक various methods का use करते हुए किया है वो solution procedure यहाँ पर इसी एक step में include होता है, minus a2 b1. So we have three things equal to each other. इन तीनों चीजों में अगर हम देखते हैं, इन द फर्स्ट पार्ट एक्स वेरिएबल इज देयर, इन द सेकंड पार्ट वाई वेरिएबल इज देयर, एंड द थर्ड पार्ट ओनली कांस्टेंट 1 इज देयर. सो नाउ वी विल इक्वेट फर्स्ट एंड थर्ड एंड देन सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. अगर हम फर्स्ट और थर्ड पार्ट को, यानी कि हम कंप्लीट इस वैल्यू को इक्वल रखते हैं 1 अपॉन दिस कांस्टेंट के, सो वी आर एबल टू गेट दैट x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1. सिमिलरली y इक्वल्स टू व्हाट, यस, what will be the value of y? We will equate this to this constant part and we are getting y equals to c1. This denominator will be cross multiplied and we have c1 a2 minus c2 a1 divided by a1 b2 minus a2 b1. So this is the method of cross multiplication to solve a pair of linear equations. Here we have taken again one more question. And the question is x upon 2 plus 2y upon 3 equals to minus 1. So if we solve this equation, we can say that 6 can be taken as LCM. In the previous sessions also, we have understood कि किस तरह से अगर हमारे पास fractional form में कोई भी equation given है, हम उसे easiest form में पहले change करें. And after changing, we will try to solve that. So our first equation here is that becomes 3x plus 4y equals to minus 6. And the second equation, if 3 is taken as LCM here, we are getting 3x minus y equals to 9. That means 3x minus y equals to 9. Let it be equation number 1 and 2. हमने सबसे पहले क्या किया? अपनी equations को simplified form में लिखा. अब वैसे तो हमें पता है कि द बेस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हम क्या करते हैं वहां पर किसी एक वेरिएबल के कॉफिशियंट्स को इक्वेट करते हैं
और इस क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहा है कि x के जो कॉफिशियंट्स हैं दोज आर ऑलरेडी इक्वल, तो डायरेक्टली दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने पर ही एलिमिनेशन मेथड से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, बट नाउ वी आर सॉल्विंग इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. सो इट इज x अपॉन इक्वल्स y डिवाइडेड बाय इक्वल्स. ऑब्जर्व दिस थिंग हियर, आई एम मेंशनिंग माइनस वन नॉट वन. अभी जब हमने मेथड डिस्कस किया था आई हैव रिटन हियर पॉजिटिव वन. सो व्हाई सो? देखिए इन जनरल इक्वेशन हमने कांस्टेंट टर्म्स राइट हैंड साइड पर नहीं लेकर गए थे, दोज आर गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ओनली. सो इन द क्वेश्चन ऑल्सो या तो हम यहाँ पर अपनी कांस्टेंट टर्म्स माइनस सिक्स एंड नाइन इन दोनों टर्म्स को ही लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करें. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सविता जी, 10 मिनट का समय हमारे पास बाकी रह गया, माफी चाहता हूँ आपको बीच में रोकने के लिए. जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग. सो हम डिस्कस कर रहे थे कि कॉन्स्टेंट्स को हम राइट टू लेफ्ट पर लेकर जाना चाहें तो ले जा सकते हैं. इन दैट केस पॉजिटिव वन विल बी मेंशन, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरगेट कि हम क्योंकि यूज टू हो जाते हैं इन द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इन द मेथड ऑफ एलिमिनेशन हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, राइट साइड पर ही कॉन्स्टेंट्स को रखकर सॉल्व कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर कर सकते हैं. सो यहाँ का जो नेगेटिव साइन है दैट विल बी मैनेज्ड बाय दिस कॉन्स्टेंट. सो व्हाट डू वी हैव नाउ? वी हैव 4 माइनस 1, देन माइनस 6 9, देन 3 एंड 3, एंड आफ्टर दैट हियर विल बी 4 एंड माइनस 1. So what do we have now on cross multiplication? It is x divided by 36 minus minus minus. That becomes a negative sign again. That means 36 minus 6 equals to y upon minus 18. Yes. Minus 27 equals to minus 1 divided by minus 3 and then minus 3 minus 12. Now on solving these three parts, we will get the values of the variables x and y. So, आज हम कुछ एक questions और discuss कर लेते हैं. Basically, chapter में जो भी methods हैं, जो भी formulas हैं, वो सब हम अपने पिछले three sessions में, including today's session, discuss कर चुके हैं. But अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम ये सब लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्यों पढ़ रहे हैं, हाउ कैन वी अप्लाई दीज इन आर डेली लाइफ, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डिस्कस करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन. वी हैव अ गार्डन विच इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें पता है, वी नो कि पेरीमीटर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहता है. यस, वी कैन आल्सो मेंशन इट इन द कमेंट सेशन. इट इज 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड इट इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन. पेरीमीटर का हाफ करने के लिए बोला जा रहा है. ओके, सो व्हाट इज हाफ पेरीमीटर? इट इज 2 इनटू एल प्लस बी, एंड इट्स हाफ, इसका हाफ कर देना है, विच इज नथिंग बट लेंथ प्लस ब्रेथ. दूसरी जो चीज हमें गिवन है दैट इज हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द विड्थ एंड लेंथ, लेट लेंथ बी एक्स एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी वाई. सो लेंथ इज, दैट मीन्स एक्स इज 4 मीटर मोर, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. मीन्स लेंथ में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे विड्थ को, दैट विल बी इक्वल्स टू 4. और दूसरी जो लाइन इसके साथ जुड़ रही थी दैट इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ दिस इज 36 मीटर. मीन्स द वैल्यू ऑफ एल प्लस बी इज गिवन टू बी 36. सो यू हैव 2 इक्वेशंस इन दिस वे हियर, एंड बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशंस. ओके, अभी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए विच मेथड वी फाइंड द बेस्ट, वी कैन यूज दैट. वी कैन यूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड और एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, और अगर आप ग्राफिकली सॉल्व करना चाहते हैं यू कैन डू दैट, बट द बेस्ट मेथड हियर इज
यस, क्योंकि कॉफिशियंट ऑफ द वेरिएबल सेम है. सो लेट अस यूज एलिमिनेशन मेथड. वी सी इट इज नेगेटिव वाई एंड इट इज पॉजिटिव वाई इन द सेकेंड इक्वेशन. तो दोनों इक्वेशन को हम एड कर देते हैं. ऑन एडिंग वी आर गेटिंग द लेंथ. And if you put this value in any of the equation, we will be able to get the breadth, which is 16. अभी जो आपके पास answers आए हैं that the length is 20 meter and the width is 16 meter. अगर आप अपने answer को अपनी given equations में या जो equations हमने खुद calculate करके निकाली हमने put करेंगे, so you will find कि आपकी दोनों answers उन equations को satisfy जरूर करेंगे. अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहे, दिस इज द वे ऑफ वेरिफिकेशन. अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, मींस वी हैव डन सम मिस्टेक इन बिटवीन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. इट इज सम ऑफ द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर. तो जब भी फ्रैक्शन की बात होगी क्या करना है, वी विल सपोज दैट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी वाई. So what will be the fraction? Fraction will be x divided by y. अभी हमारे पास क्वेश्चन में जो बोला गया है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फाइंड द फ्रैक्शन. स्टूडेंट्स हैबिट में होते हैं कि हम वैल्यू ऑफ x एंड y ही पूछी जाती है, x एंड y की वैल्यू निकाल दी, कैलकुलेट कर दी. दे फॉरगेट टू फाइंड x अपॉन y. बट अगर फ्रैक्शन पूछा गया है तो आप x डिवाइडेड बाय y की ही वैल्यू निकाल कर दिखाएं. नाउ वी हैव द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हियर. दैट मींस द फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन टू बी 3 लेस देन. 3 लेस देन व्हाट? ट्वाइस इट्स डिनोमिनेटर. सो जो भी स्टेटमेंट में लिखा है आपको वही करते जाना है. जहां पर भी इज, आर, विल बी, वुड बी, इस तरह की आपकी हेडिंग वर्ब्स आती है, समझ लीजिए कि साइन ऑफ इक्वालिटी विल बी देयर. एंड ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू कैन राइट इट, री राइट इट एज एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3. सो हियर इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अभी देखते हैं कि सेकेंड कंडीशन हमें क्या गिवन है. मैम ओनली 4 मिनट्स लेफ्ट नाउ. राइट सर. सो सेकेंड कंडीशन हियर इज ईच ऑफ द न्यूमरेटर and denominator, both of these are decreased by 1. That means अगर हम numerator में से भी 1 subtract कर देते हैं और अपने fraction के denominator में से भी 1 subtract कर देते हैं, then we are able to get a new fraction and that fraction is 1 divided by 2. That fraction is 1 divided by 2. So we will solve this equation and change it to a linear equation. We are able to get 2 and 2x minus 2 equals to y minus 1. That means 2x minus y equals to 1. So, abhi hum kya karenge? We will solve both of these equations. And after solving these equations, we will be able to get the value of x and y. Let me suppose kar lete hain, x ki value 4 aur y ki value 7 aa rahi. So if we will write that this is our final answer, then this will not be okay. What our final answer? Kaise likhna hai aapko? Therefore, the fraction is x upon y, which is 4 upon 7. In this way, we must write the answer. So I think that one more question can be discussed here. We have only, you know, a half minute left now, so you need to do this very quickly. Okay, so let me not do this question today, but I am giving some questions to my audience for practice. And yes, here are the questions. These are the questions which I would like you audience to solve and send us the problems if there are any. There are some questions which are based on all the three sessions which we have discussed till date. You have to find the nature of the graph of the equations, find the value of k. इस टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इन आर सेशन नंबर 2 कि अगर हमारे पास गिवन इक्वेशंस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है या फिर यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं,
तो हम किस तरह से वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ द गिवन अननोन कांस्टेंट दैट कैन बी। सविता जी, मुझे आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा, वक्त हमारे पास इतना ही था, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जितना कंटेंट हमारे पास था हमने डिलीवर किया। आई होप कि जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे थे उनको भी ये प्रोग्राम बहुत ही पसंद आया होगा। सीखने की इस प्रक्रिया को जारी रखें। दो सेशंस ऑलरेडी इस पर हो चुके हैं, वो भी NCERT ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर आप लिंक खोजेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। तीनों को एक साथ पढ़कर देखने की कोशिश करें, फिर देखें चीज़ें कितनी और भी सामान्य आसान हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सविता जी, आपने अपना अमूल्य समय हमारे लिए दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धर्मेंद्र जी, थैंक यू। और जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। कक्षा 9 की जमात के लिए उर्दू जबान से एक नज़्म, एक पोइट्री हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसके मुसन्निफ़ है अल्ताफ़ हुसैन हाली। छोटे से अंतराल में बने रहिए मेरे साथ।